गुड आफ्टरनून कोलकाता 91.9 फ्रेंड्स एफएम। मेरा नाम एनिमेश और अब हमारी बातें होने वाली है नन अदर देन वेरी टैलेंटेड एक्टर शरद मल्होत्रा के साथ। जी हाँ, बहुत सारे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स में तो ये नजर आ चुके हैं, अब एक कप्तान के रूप में भी नजर आने वाले हैं। जी हाँ, बातें हो रही है इस वक्त BCL के कोलकाता बाबू मोशाई टीम की। इस टीम के वे कप्तान हैं तो उनके साथ बातें हो जाए। शरद, आपका बहुत बहुत स्वागत है 91.9 फ्रेंड्स एफएम आप ही के शहर कोलकाता शहर में। थैंक यू अनिमेश, थैंक यू सो मच। वेल, बता दो इस वक्त 40 लाख लोग आपकी आवाज इस वक्त सुन रहे हैं मंडे आफ्टरनून। जानना चाहूंगा इस वक्त बाबू मोशाई, कोलकाता बाबू मोशाई टीम की बातें चारों ओर हो रही है, आप टीम के कप्तान भी है, क्या स्ट्रेटेजी रखी गई है इस साल और जीत की तैयारी कैसे चल रही है, क्या कहना चाहेंगे? वेल, सबसे पहले नमस्कार कोलकाता, और हमेशा बहुत अच्छा लगता है जब अनिमेश आप फोन करते हैं, एटलीस्ट 40 लाख लोग जो है सुन पाते हैं। और आई थिंक जैसे आपने कहा BCL जो है बिल्कुल जोर शोर से जो है BCL की तैयारियां चल रही हैं। पहला हमारा जो मैच है अभी वो लखनऊ के साथ है 18 तारीख को, और इस बार आई थिंक वेरी फॉर्चुनेटली मुझे कोलकाता बाबू मोशाई जो है मैं उनको लीड कर रहा हूँ एज ए कैप्टन। तो बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, इनफैक्ट आई थिंक जितने हमारे जो टीम के लोग हैं दे वेरी गुड एक्टर्स ऑल्सो एंड वेरी गुड क्रिकेटर्स ऑल्सो, सो आई थिंक इट्स लाइक अ वेरी 2-in-1। तो अच्छा लग रहा है एंड आई थिंक एवरीवन लुकिंग वेरी गुड, दे एक्चुअली लुकिंग लाइक यू नो गुड इन गुड शेप। They're very excited और सब बहुत ही agile हैं, you know, lot of energy. So we are hoping कि इस बार जो है लखनऊ के हम छक्के छुड़ा दें। क्या बात है, हम चाहेंगे कि हमारी टीम जो है उसी को जीत हासिल हो। वैसे वैसे बताइए, एक एक्टर के लिए क्रिकेट खेलना शूट करना कितना टफ हो जाता है, क्योंकि 24 घंटे ही होते हैं एक दिन में। जी जी, बिल्कुल 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 सही कहा आपने। आई थिंक 24 घंटे में 12 से 13 घंटे जो है हम लोग शूट करते हैं, उसके बाद आई थिंक 2-3 घंटे हमारे प्रैक्टिस में जाते हैं। तो आई थिंक करीब बच्चे जो आपके कुछ 6-7 घंटे उसमें आपको सोना पड़ता है, नहाना पड़ता है, खाना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू काइंड ऑफ यू नो स्पेस आउट द टाइम एंड यू नो सेग्रीगेट करना कि कितना कितना करना है। 12-13 घंटे तो आई थिंक फिक्स नहीं है बिकॉज आप काम कर रहे हैं, बाकी जो है जैसे मैं आपसे कहा जब मैचेज होते हैं तो 3-4 घंटे ऑन कर जाते हैं। सो इट्स नॉट ईजी, आई थिंक बिकॉज आई थिंक विजय साथ दिस वेरी स्ट्रॉन्ग लव फॉर द स्पोर्ट। आई थिंक क्रिकेट एक रिलीजन है आई थिंक हम सब के लिए, और मैं कलकत्ते से हूँ तो आई थिंक मैं लिटरली बड़ा हुआ हूँ क्रिकेट खेलते हुए। मैंने मुझे याद है कि राजस्थान क्लब है मैदान के वहाँ पे जी, मैं वहाँ बड़ा हुआ खेलते हुए, और उसके बाद CAB जो है क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंदौर, मैं जीवत से हूँ, आप हम जीवत कोलकाता, तो वहाँ पे CAB के बहुत मैचेज खेले मैंने, स्कूल में बहुत मैचेज खेले, कॉलेज में बहुत खेले, तो पेप्सी टूर्नामेंट बहुत खेले, तो हम लिटरली हम सब बड़े हुए हैं क्रिकेट खेलते हुए देखते हुए। और बस इस बार मौका मिला है एक्टर बन के यू नो BCL खेलने का, BCL इज अ बॉक्स क्रिकेट लीग, जब जितने भी आपके बड़े बड़े टेलीविजन स्टार्स हैं सब लोग जो एक ही छत के नीचे आते हैं और एक टूर्नामेंट खेलते हैं। तो आई थिंक इट्स फन, इट्स ऑल इन यू नो इट्स ऑल फॉर द लव जो है आपका स्पोर्ट के लिए जो जितना आपका पैशन है। तो आई थिंक इट्स वेरी हेल्दी और आई थिंक इट्स फन एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट वे कि आप सब मिलकर यू नो योर बॉन्डिंग एंड आप अच्छा गेम खेल रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मजा आ रहा है देखने में, अच्छा लग रहा है। वैसे मुझे ये बताइए कि जैसे कि आपने कहा कि 12 घंटे की शूटिंग होती रहती है, तो कलर्स टीवी पे कसम हम सब इसका काफी आपका जो कैरेक्टर है वो काफी स्ट्रांग है, कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में, कसम के बारे में? बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल, मेरा नया शो जो है कसम वो हाल ही में ऑन एयर गया है 7 तारीख को, आई थिंक मुश्किल से आई थिंक हफ्ता ही हुआ है, आई थिंक टचवुड बहुत अच्छी ओपनिंग मिली है, एवरीवन रियली अप्रिशिएटेड द शो अ लॉट, एवरीवन रियली अप्रिशिएटेड माय कैरेक्टर एंड you know overall the show ka look and the feel of the show, it's a very intense love story, so I think acha lag raha hai ki jab you know log appreciate karte hain, aur mujhe yaad hai mera isse pehle jo maine show kiya tha Maharana Pratap usme mera look bahut different tha aur isme look bahut different hai, isme you know it's really very young happy go lucky punjabi munda, you know fun loving guy, padhai jo hai wo US mein hui hai uske baad India aaya hai, you know but ek hi baat hai ki he does not believe in love, उसे जो है लव में बिल्कुल यू नो विश्वास नहीं है, ही द फ्लर्ट, ही द कैसनोवा, यू नो ही लव्स टू डेट वुमेन डिफरेंट काइंड्स एवरी डे, सो बट आई थिंक इट्स नाइस, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, आई थिंक थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है कहीं ना कहीं, सो मैं एक्चुअली बहुत इंजॉय कर रहा हूँ, और सच कहूँ तो कसम से बहुत मजा आ रहा है, कसम से हमें देखने में भी काफी मजा आ रहा है। वैसे शरद, जाते जाते जो लोग आपको सुन रहे हैं इस वक्त फ्रेंड्स एफएम पे, आपके दोस्त सुन रहे हैं क्योंकि कोलकाता की आप हैं, आपके फैंस आपको सुन रहे हैं, उन सभी से क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक जितने भी लिसनर्स हैं, मैं हमेशा कहता हूँ जब भी अनिमेश से मेरी बात होती है कि प्लीज यू नो कीप सपोर्टिंग अस, कीप लविंग अस, हम पूरी कोशिश करते हैं आपको एंटरटेन करने की, कई बार कुछ गलतियाँ भी हो जाती हैं तो उसके लिए माफ़ कीजिए, बट कोलकाता हैज डेफिनेटली इट्स माय होम टाउन, मैं बड़ा हुआ हूँ वहाँ पे लिटरली, यू नो
एंड आई एम रियली रियली प्राउड टू बी अ कोलकातन. आई थिंक बस वही है कि आने का जो है समय नहीं मिलता है कई बार, बट डेफिनेटली फॉर मी कोलकाता इज लाइक अनडाउटेडली द बेस्ट प्लेस ऑन प्लैनेट अर्थ. कोलकाता की बिरयानी हो गई, कोलकाता की खीर खत्म हो गए, कोलकाता की मिस्टी रोई हो गई, कोलकाता का पाप स्ट्रीट हो गया, कोलकाता के कुसुम रोल हो गया, जितना बोली उतना कम है. तो मैं हर चीज़ बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ. एंड बस देखिए अगर मौका मिला तो मैं कोशिश करूँगा बहुत जल्द आऊँ और रूबरू हो, मतलब लिटरली मैं आपके स्टूडियो में आऊँ और आपसे मुलाकात भी हो. आई थिंक अधिकतर हमारी बातें होती हैं सिर्फ फ़ोन पर ही होती हैं. सो ऑल द लिसनर्स जस्ट आई थिंक लव द सिटी, इट्स एक्चुअली द सिटी ऑफ जॉय. आई थिंक ऐसा जो है ऐसा शहर पूरी दुनिया में नहीं है. सो आई टोटली लव कोलकाता, इट्स ट्रूली अ सिटी ऑफ जॉय एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सो मच लव. क्या बात है, थैंक यू सो मच शरद हमें समय देने के लिए. बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातें करके. जैसे कि आपने कहा कि जल्दी जल्दी हम चाहेंगे कि आप भी आए जल्दी जल्दी कोलकाता शहर में, स्टूडियो में बैठ के और भी हम बातें करेंगे. ऑल द बेस्ट है कोलकाता बाबू मोशाई टीम को, यानी कि बीसीएल के लिए, और साथ ही साथ कलर्स टीवी के कसम के लिए. थैंक यू सो मच हमारे साथ बातें करने के लिए. थैंक यू अनिमेश, थैंक यू सो मच एंड लव टू ऑल. थैंक यू. वेल, ये आवाज थी नन अदर देन वेरी टैलेंटेड एक्टर शरद मल्होत्रा की, जिनके साथ हमारी बातें हो रही थी 91.9 फ्रेंड्स एफएम पे. अडगान टोटल फन.